छत्तीसगढ़ के कुख्यात आरोपी को पकड़ने में शांतिनगर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। इस संदर्भ में पुलिस उप निरीक्षक अरुण बकाल ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार शांतिनगर पुलिस अवैध हथियार अपने पास रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जिस दरमियान उन्हें एक युवक संशयास्पद अवस्था में दिखाई दिया। जब पुलिस ने उस युवक की ओर रुख किया, उस दौरान वो युवक वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि पुलिस ने बड़ी ही बहादुरी से आरोपी को धर दबोचा और इसमें कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में पुलिस उप निरीक्षक अरुण बकाल ने अधिक जानकारी साझा की। हमें माननीय पुलिस उपायुक्त डिटेक्शन नागपुर शहर यांचे मार्गदर्शनाखाली यांचे आदेशान्वये शस्त्र बाळगणारे आरोपींची मोहीम राबवित असताना, स्टॉपसह पेट्रोलिंग करीत असताना बांगडे प्लॉट या ठिकाणी एक इसम संशयास्पदरित्या फिरत आहे अशी गुप्त माहिती मिळाली। करिता आम्ही स्टॉपसह त्या ठिकाणी गेलो असता एक इसम आम्हाला पळून जात असताना आम्ही त्याला पाठला करून पकडले आणि त्याची झडती घेतली असता त्याच्याजवळ शस्त्र मिळून आले। करिता आम्ही त्याला पोलीस स्टेशनला घेऊन आलो। त्याच्यावर जुना काही रेकॉर्ड मिळते का इथून माहिती घेतली असता छत्तीसगड दूर या ठिकाणी त्याच्यावर भरपूर घरफोडीचे गुन्हे तसेच शरीराविरुद्धचे गुन्हे एकूण असे 12 ते 15 गुन्हे त्याच्यावर दाखल असल्याचे आम्हाला निदर्शनास आले। आम्ही त्याच्यावर कलम 425 प्रमाणे दाखल। इस दौरान उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए हुए आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और वह छत्तीसगढ़ का एक कुख्यात अपराधी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।